Hey everyone, welcome back to my channel once again in Secret Logic. और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बिगिनर्स आई मेकअप कि आप सिंपल इजी तरीके से कैसे बिगिनर्स आई मेकअप कर सकते हैं. तो चलिए बिना डिले के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आई मेकअप करने के लिए जो आपकी बेसिक नीड है वो है आपको एक आई शेडो पैलेट चाहिए होती है. तो मैं आपको बहुत ही चीपेस्ट और अफोर्डेबल यानी कि एडीएस की पैलेट बता रही हूँ जो आपको 200 रुपीज के नियर अबाउट मिल जाएगी. इसके अलावा आपको कुछ ब्रशेस चाहिए तो आप पूना स्टोर के इस तरीके के ब्रशेस को ले सकते हैं जो कि काफी इफेक्टिव होते हैं. और इसमें 499 रुपीज का है ये. इसमें 6 ब्रशेस सेट होते हैं. क्रीज ब्रश है आपका, ब्लेंडिंग ब्रश है और आउटर ब्रश है, इनर ब्रश है इस तरीके से. और इसके अलावा एक थोड़ा सा आपको कॉपर या शिमर या हाइलाइटर टाइप का शेड चाहिए होता है. साथ ही साथ आपको एक हाइलाइटर भी चाहिए होता है. तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कलर एसेंस का ये प्रोडक्ट है, सेटिन आई शेड्स. 500 रुपीज का ये प्रोडक्ट है और इसमें आपको 3 शेड मिल जाते हैं. दिस काइंड ऑफ तो काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट है. मैं यूज़ करती आई हूँ इसको. और साथ ही साथ आपको एक कंसीलर चाहिए और एक लूज पाउडर चाहिए क्योंकि आई मेकअप करने से पहले आपको अपनी आईज़ को जो है सेट करना होता है. तो सबसे पहले जो है, अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को एज अ आई प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं एक आंख पे आपको करके दिखाती हूँ. पहले आई शेडो इस तरीके से आप पहले एलोवेरा जेल की हेल्प से इसको प्राइम कर लीजिए. साथ ही साथ गाइस, अगर आप मस्कारा और लाइनर लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेबलिन के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें क्योंकि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है इसलिए मैं आपको मतलब रिकमेंड कर दूँ. इसके बाद आपको कंसीलर अप्लाई करना है. तो यहाँ मेबलिन फिट मी का मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और ये मेरे शेड का है. तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले लीजिए. इस तरीके से आपको लेना है, बहुत ही हल्का सा अप्लाई करना है और अपने हाथों की यानी कि उंगलियों की हेल्प से आपको उसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरीके से. कंसीलर लगाने से क्या होता है कि आपके जो आई मेकअप है ना, बहुत ही सटल और निकल के आता है अच्छी तरीके से. थोड़ा सा ज्यादा लग गया, आपको बहुत ही लिटिल अमाउंट में लेना है. थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएगा लेकिन इसके पहले हमें इसको बेक करना होगा. तो बेक करने के लिए आपको लूज पाउडर की भी जरूरत होगी. अगर आपके पास कोई लूज पाउडर नहीं है तो आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट है आप उसको भी यूज कर सकते हैं. तो आप ब्रश की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से इसको इस तरीके से या तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या जल्द. तो आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से कॉम्पैक्ट की हेल्प से ऊपर और नीचे दोनों तरफ अप्लाई कर लीजिए और इसको फिर ब्रश की हेल्प से जो भी एक्सेस है उसको डंप आउट कर लीजिए. और आप अपनी आंखों के नीचे जो है थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए पाउडर ताकि आप बाद में जब रिमूव करिए तो वो इजीली निकल आए. चलिए अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपके पास कोई भी आई मेकअप ब्रश नहीं तो आपके पास सिंपल अगर एक छोटा सा पतला सा ब्रश हो तो आप उसकी हद से भी इजिली आई मेकअप कर सकते हैं और नहीं तो फिर आपके फिंगर से भी आप जो है आई मेकअप कर सकते हैं. तो सबसे पहले व्हाइट शेड मैं लूंगी क्योंकि व्हाइट जो है वो आपके कलर को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है. व्हाइट आई शेडो लेकर के इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगी कंप्लीटली अपने पूरे आंखों पे, पूरे क्रीज एरिया पे इस तरीके से. आप डिफरेंस दोनों आंखों में देख सकते हैं. अब इसके बाद मैं ऑरेंज शेड लूंगी क्योंकि ऑरेंज शेड हमारी स्किन से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है. तो ऑरेंज शेड अप्लाई करना चाहिए आपको अपने क्रीज एरिया पे. ऑरेंज है, ब्राउन है, स्किन कलर है, यू नो ये सब कलर काफी अच्छे होते हैं आपके क्रीज एरिया को बिल्डअप करने के लिए. इसको प्रॉपर ब्लेंड करना है आपको. हमेशा ब्रश को जो है थोड़ा डिस्टेंस पे पकड़ें, बहुत क्लोजली ना पकड़ें और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से क्रीज एरिया आप बिल्डअप कर लीजिए.
आप देख सकते हैं दोनों आंखों में डिफरेंस, क्रीज एरिया बिल्डअप हो चुकी है। अब आपको आउटर में कोई शेड अप्लाई करना होता है तो जो भी आपका फेवरेट शेड हो आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है रेड कलर से करती हूँ। क्योंकि ये दिखाई देगा तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी लेकर के इस तरीके से आउटर में आप इस तरह से सर्कल बनाइए। फिर आप एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के प्रॉपरली इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद आप कोई भी अपना जो भी फेवरेट शेड है जिसको कि आपको मिडल में अप्लाई करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ ये थोड़ा सा शैम्पेन शेड ले रही हूँ और इसको आप अपने फिंगर से या स्मजर ब्रश की हेल्प से मिडल पोर्शन में इस तरीके से अप्लाई करिए। और साथ ही साथ मैं आउटर इनर कॉर्नर में भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और अब क्रीज एरिया एक बार आप फिर से अपना डिफाइन कर लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा फेड आउट हो सकता है। और प्रॉपर आंखों को एक शेप मिल जाएगी। अब जो आउटर रेड था वो मैं उसको एक बार फिर से अप्लाई कर लूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा फेड आउट हो चुका है। तो उसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको इस तरीके से करना है। और ये मेरा आई मेकअप डन हो गया है। अब मुझे सिर्फ लाइनर अप्लाई करना है और अगर आप मस्कारा अप्लाई करना चाहें तो मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लाइनर इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, बहुत ही इजी और अप्लाई। सो गाइज, आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। और इसको मैंने इस तरीके से, ये बहुत ही इजी वे में 2 मिनट में आप अपना आई मेकअप कर सकते हैं। तो अपना फटाफट से जो है आपको अपनी इस आंख में भी आई मेकअप करके। सो गाइस, इस तरीके से मेरा आई मेकअप डन हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि यूजफुल होगी आप सबके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करेगा। मेरे चैनल पहली बार आए